हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के बीच में फिर से एक नए वीडियो के साथ आ गया हूँ। और सॉरी यार, मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए जो आवाज़ आपको सुनाई दे रही है उसको अवॉइड करना। और कुछ दिन पहले मैंने आपको सैमसंग गैलेक्सी S22 सीरीज़ के सारे फ़ोन्स के बारे में बताया था, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको S22 अल्ट्रा या फिर उस वाले वीडियो में आपको ये भी बताया था कि उसका नाम S22 नोट भी हो सकता है, तो इसी फ़ोन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ये जो फ़ोन होगा वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होगा S सीरीज से। हालांकि मैंने उस वीडियो में आपको S22 अल्ट्रा या फिर S22 नोट के बारे में भी काफ़ी सारा स्पेसिफिकेशन बताया था, लेकिन इसके कुछ न्यू लीक्स भी आ चुके हैं और कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन भी आ चुकी है। तो इस वीडियो में मैं आपको S22 नोट के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। डिस्प्ले कैसा होने वाला है, इसका लुक कैसा होने वाला है, इसका कैमरा कौन सा होगा, प्रोसेसर इसमें कौन सा यूज़ किया जाएगा। तो चलो हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोगों का हर वीडियो का फॉर्मेट होता है, सबसे पहले इसके लुक और डिजाइन से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये जो S22 नोट का डिजाइन होने वाला है वो S सीरीज से काफी ज्यादा अलग होने वाला है। सैमसंग गैलेक्सी नोट सीरीज का जो फोन होता था ना, जो पिछले कुछ समय से डिसकंटिन्यू हो गया है, सेम उसी के जैसा इसका लुक और डिजाइन आपको देखने के लिए मिलेगा। इस फोन को सैमसंग गैलेक्सी S22 नोट बुलाने के पीछे भी एक कहानी है कि जिस तरीके से आपको नोट सीरीज में S पेन का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, S पेन उससे निकाला जाता है और एकदम आप उससे मस्त ऐसे लिख सकते हो, सेम फीचर्स के साथ ये फोन भी आने वाला है। यानी आपको इसमें S पेन भी मिलेगा और S पेन का सपोर्ट भी मिलेगा। जितने भी S सीरीज के फोन होते हैं वो एकदम गोल कटआउट में होते हैं, लेकिन इस फोन का डिजाइन बिल्कुल ही अलग होने वाला है, एकदम नोट सीरीज के जैसा एकदम ऐसे चौकोर होने वाला है। इस फोन का जो बैक लुक होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। इस फोन का कैमरा लेआउट कुछ अलग होने वाला है, कुछ इस तरीके से होने वाला है। और अगर इसके डिस्प्ले साइड के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पर आपको पंच होल डिस्प्ले मिलेगा और एकदम बॉक्सी कटआउट के साथ ये फोन आने वाला है। और आपको ये नोट सीरीज की तरह होने वाला है, इसीलिए यहाँ पर इसका डिस्प्ले साइज 6.81 इंच हो सकता है। फ्रंट और बैक दोनों साइड में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलेगा। और ऑफ कोर्स ये एक प्रीमियम फोन होने वाला है, इसलिए यहाँ पर आपको मेटल का फ्रेम भी देखने के लिए मिलेगा। बहुत सारे सोर्स से ये पता चलता था कि 8 जनवरी को रोल आउट होगा, लेकिन हाल फिलहाल में ही एक न्यूज आया था जिसमें बताया गया था कि एक दिन का डिले है, यानी ये 9 फरवरी को रोल आउट होगा। लेकिन यार इसके बारे में ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है ये थोड़ा बहुत और पीछे भी हो जाए। अब हम लोग इस फोन के डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस फोन का साइज काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है, 6.81 इंच QHD प्लस डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, जो कि 120 हर्ट्ज एडेप्टिव रिफ्रेश रेट के साथ काम करेगा। जिन लोगों को नहीं पता, इसका मतलब है कि इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज से 10 हर्ट्ज के बीच रिफ्रेश रेट को बदलता रहेगा, जिससे बैटरी काफी ज्यादा सेव होती है। HDR10 प्लस सर्टिफाइड होगा, 1500 नीट्स की पीक ब्राइटनेस होगी, क्योंकि आपको पता ही है कि सैमसंग का जो पीक ब्राइटनेस होता है, जो प्रीमियम फोन्स में आपको देखने के लिए मिलता है, वो सबसे ज्यादा होता है। तो सेम डिस्प्ले आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेगा। और ज्यादा कुछ मुझे इस डिस्प्ले के बारे में एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सैमसंग के डिस्प्ले ब्राइटनेस और कलर्स के मामले में एकदम नेक्स्ट लेवल के होते हैं। और आपको यार आपको इस फोन में इन डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने के लिए मिलेगा। जिन लोगों को नहीं पता, इसका मतलब है कि अगर आपका अंगूठा थोड़ा बहुत गंदा भी होगा तो भी आपके फोन को बड़े आसानी से ये वाला फिंगरप्रिंट अनलॉक कर देता है। अब हम लोग इसके कैमरे के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 रियर कैमरा देखने के लिए मिलेगा। आपको लग रहा है कि यहाँ पर 5 कैमरा होने वाला है, लेकिन ये 5वां कैमरा नहीं है, ये लेजर ऑटो फोकस हो सकता है, जो कि पोर्ट्रेट मोड वगैरह लेने या फिर नज़दीक का जो ऑब्जेक्ट है उसे फोकस करने में मदद करेगा, जिससे एकदम अच्छा और ब्लर वाला फोटो आ सकता है। इसका प्राइमरी कैमरा 108 मेगापिक्सल का HM3 होगा, जो कि इम्प्रूव्ड वर्जन होगा, और इसका अपर्चर साइज f1.8 होगा। और ऑफकोर्स यार इस कैमरे की मदद से आप 100x तक जूम कर सकते हो। 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, जो कि सोनी का होगा, जिसका अपर्चर साइज f2.2 होगा। एक 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस होगा, जो कि 10x ऑप्टिकल जूम प्रोवाइड करेगा, इसका अपर्चर साइज 4.9 होगा, और ये भी सोनी का ही लेंस होगा। और चौथा कैमरा भी 10 मेगापिक्सल का होगा, जो कि 3x ऑप्टिकल जूम प्रोवाइड करेगा, जो कि पोर्ट्रेट मोड वगैरह लेने में काम आएगा, और ये भी सोनी का ही सेंसर होगा, इसका अपर्चर साइज f2.4 होगा। और ऑफकोर्स यार जितने भी फीचर्स आप सैमसंग के एक प्रीमियम फोन से एक्सपेक्ट करोगे, 100x जूम, 8K
वीडियो रिकॉर्डिंग, HDR वीडियो रिकॉर्डिंग, सारा कुछ ही आपको इस फ़ोन में देखने के लिए मिलेगा। और पंच होल कटआउट में 40 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होगा और यहाँ से भी आप 8K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। कहने का मतलब है कि सैमसंग के पास कैमरा में जितना कुछ फीचर्स है सारा फीचर्स आपको इस फ़ोन में देखने के लिए मिलेगा। अब हम लोग इस फ़ोन के मेन पार्ट यानी इसके प्रोसेसर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस फोन में ग्लोबली आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 देखने के लिए मिलेगा जो कि 4nm की फैब्रिकेशन प्रोसेस पर बेस्ड है और कुछ सिलेक्टेड कंट्री जैसे कि इंडिया हुआ वहां पर आपको एक्जीनोस 2200 वाला प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा, जहां पर गेमिंग के लिए आपको AMD का GPU देखने के मिलेगा। और काफ़ी सारे लोगों को एक्जीनोस के प्रोसेसर पर उतना भरोसा नहीं होता है, और हाँ ये सच्चाई भी है कि ये क्वालकॉम के प्रोसेसर के जितना परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर AMD का GPU यूज़ किया जाता है और अगर सैमसंग इसे अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करता है, मतलब अच्छी तरह से तालमेल करता है, तो इसका जो गेमिंग परफॉर्मेंस होगा वो क्वालकॉम 8 Gen 1 को शायद बीट कर सकता है। और जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि काफ़ी सारे फोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के साथ आ गए हैं और काफ़ी सारे हीटिंग इशू भी देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर एक्जीनोस 2200 में हीटिंग इशू नहीं रहती है तो ओबियसली क्वालकॉम 8 Gen 1 को ये बीट कर सकता है। यह फोन आपको One UI 4.0 और एंड्रॉयड वर्जन 12 के साथ देखने के लिए मिलेगा। नोक सिक्योरिटी, ओल्ड जी लाइव, सिक्योर फोल्डर, सैमसंग पे और जितने भी फीचर्स आप एक प्रीमियम फोन से एक्सपेक्ट करोगे वो सारा कुछ ही आपको इस फोन में देखने के लिए मिलेगा। अब हम लोग इस फोन की बैटरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको 4855 mAh का बैटरी देखने के लिए मिलेगा, लेकिन काफी सारे रिसोर्स से ये पता चल रहा है कि यहाँ पर आपको 5000 mAh का बैटरी देखने के लिए मिलेगा। और ये जो फोन है वो 45W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट भी करेगा, और ये जो 45W का चार्जर है वो इसी सीरीज के लिए बनाया गया है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को पता है कि डब्बा में आपको चार्जर देखने के लिए नहीं मिलता है, तो इसे आपको खरीदना होगा जो कि लगभग $50 यानी 3-4 हज़ार के बीच इसका प्राइस हो सकता है। लॉन्च डेट के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि 9 फरवरी में ये रिवील हो सकता है, और इसका जो प्राइस होगा वो होगा 1,10,000 से 1,20,000 या फिर 1,00,000 से 1,20,000 आप मान सकते हो। तो बस यार यही था आज का वीडियो, और आप लोग मुझे बताना कि आप लोग इस फ़ोन के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और हम लोग किसी दूसरे वाले वीडियो मिलते हैं। सभी को बाय।